हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बॉन्ड स्टडी एंड आई एम इन फ्रंट फॉर यू टुडे। माय टॉपिक ऑन द ज्योग्राफी। कुछ स्टूडेंट समझते हैं SST बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बेकार सब्जेक्ट है, मोस्टली स्टूडेंट SST नहीं पढ़ते, बट ऐसा कुछ नहीं है। SST इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। SST को चार चीज़ों में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं होता, सब्जेक्ट सब अच्छे होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर अपने स्टूडेंट के अंदर अपना माइंड होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, दूसरा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में जाकर कमाल करके दिखा सकता है। सब्जेक्ट सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर हम इसको समझ के इसकी लॉजिकल समझ के, इसकी थ्योरी समझ के अच्छे से पढ़ें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और विदाउट ज्योग्राफी, अगर ये ज्योग्राफी ना हो तो हम क्लाइमेट के बारे में, मौसम विभाग वगैरह जो होते हैं, ये नहीं, इसके बारे में हम नहीं पता कर पाएंगे। सो अब तक आपने ज्योग्राफी पढ़ी, शुरू से ही होती है सोशल साइंस, सिक्स से ये डिवाइड हो जाती है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। आपने अब तक ज्योग्राफी पढ़ी 6 से लेकर 10 तक, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होती क्या है। सब ने बस चैप्टर पढ़ाया, रीडिंग कराई और फॉर्मेलिटी अदा करी, क्वेश्चन से एक्सरसाइज, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होता क्या है। ज्योग्राफी भूगोल, जैसे हिंदी में भूगोल कहा जाता है, और ज्योग्राफी इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडी। ज्योग्राफी इसकी ब्रांच है, सोशल स्टडी की ब्रांच है। देखिए, मैंने डेफिनेशन, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं ज्योग्राफी के, बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है अपनी। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक स्कॉलर की डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन 1965 ने दी थी, ए सर मैन ने। इन्होंने कहा था, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशन ऑन द अर्थ सरफेस। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी स्पेशल साइंस है। कौन सी साइंस है? स्पेशल साइंस है। स्पेशल मतलब स्पेस, जो हमें किसके बारे में बताती है? स्पेस के बारे में बताती है, किसी भी जगह के बारे में बताती है। विद द वेरिएशन ऑफ टाइम, ये चेंज होता रहता है किसके साथ? टाइम के साथ वेरी करती रहती है ज्योग्राफी, क्योंकि इंसान एक जगह नहीं रहता। इंसान अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपने क्लाइमेट के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता रहता है, माइग्रेट करता रहता है। इसीलिए ज्योग्राफी डेफिनेशन में क्या होती है? अलग अलग जगह पे वेरी होती रहती है। तो ज्योग्राफी क्या है? एक स्पेशल साइंस है। अगर कोई भी आपसे पूछे ज्योग्राफी है, इट इज़ अ स्पेशल साइंस। कौन सी साइंस है? स्पेशल साइंस, जो हमें किसके बारे में बताती है? स्पेस के बारे में बताती है। और अर्थ, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और प्लस ग्राफी। जियो के मायने होते हैं अर्थ के, ग्राफ मतलब स्टडी, ठीक है। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना, जियो प्लस ग्राफी। जियो के मतलब होते हैं अर्थ के। जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो मेनली ज्योग्राफी में किसकी स्टडी की जाती है? अर्थ की। अब अर्थ किसी भी तरह की अर्थ होती है, ठीक है। मोस्टली जो ज़मीन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हिमालय, माउंटेन, तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पहाड़, पठार, मैदान, ठीक है। अब मोस्टली ज्योग्राफी को दो, बेसिक तौर पर ज्योग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से देखें, फिजिकल ज्योग्राफी के पहलू से देखें, तो फिजिकल ज्योग्राफी में मुख्तलिफ फील्ड हैं। ज्योग्राफी हर जगह काम करती है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। ज्योग्राफी हर फील्ड, हर जगह, हर सब्जेक्ट में कम्बाइंड हो जाती है, हर किसी के साथ कम्बाइंड हो के कुछ ना कुछ अलग मतलब निकलता है। सिर्फ एक मैथ्स को छोड़ के ज्योग्राफी मैथ्स में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होती। फर्स्टली अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी मतलब वो एस्पेक्ट जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी सबसे पहले आता है जियोमोर्फोलॉजी। जियोमोर्फोलॉजी मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अगर हम ज़मीन के अंदर के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के बाहर नहीं, ज़मीन के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारी वो ब्रांच, वो फील्ड क्या कहलाती है? जियोमोर्फोलॉजी कहलाती है। उसके बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी। अगर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट मतलब हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में कोई एक चीज़ तो है नहीं, जो बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसकी वजह से एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और
एवोपरेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसकी वजह से बारिश होती है, पूरा वाटर साइकिल है, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रोसेस है, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है। तो क्लाइमेटोलॉजी भी क्या है, एक ज्योग्राफी की ब्रांच है। इसके बाद था ओशनोग्राफी, ओशन मतलब समंदर, समंदर के अंदर जो भी वेव्स वगैरह होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है समंदर के अंदर जिसकी वजह से टाइड्स वगैरह पैदा होती हैं, वॉल्केनो आते हैं, अर्थक्वेक आता है, उसके अंदर की जितना भी प्रोसेस होता है समंदर के अंदर, उसमें हम किसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी भी क्या है, एक ज्योग्राफी की फील्ड है। उसके बाद बायोग्राफी, बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड है, बायो ठीक है। जब हम बायोलॉजी के अंदर ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हमारी अटैच होती है, क्योंकि बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, इंसान के बारे में पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी भी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। इसलिए जब हम बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, बायो ज्योग्राफी। उसके बाद सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल किसे कहा जाता है, मिट्टी को, ठीक है। और मिट्टी काफ़ी तरह की होती है, टोटल 10 टाइप्स की होती है मिट्टी, ठीक है, 10 तरह की मिट्टी होती है, और हर एक मिट्टी की अपनी अलग खसूसियात, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जब हम मिट्टी के बारे में, सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी वो क्या कहलाती है, सॉइल ज्योग्राफी। अब इसके बाद हमारा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनको अलग अलग जगह डिवाइड किया गया है। जैसे सोशल ज्योग्राफी, सोशल मतलब सामाजिक, समाज, जब इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो हमारी क्या कहती है, सोशल ज्योग्राफी। कल्चर ज्योग्राफी, जब हम इंसान के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर मतलब उसके रहन सहन के बारे में, उसके ड्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कल्चर ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जब हम पॉपुलेशन मतलब पूरी दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, जब हम सेक्स रेशियो, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट, इमोर्टिलिटी, इन सब के बारे में किस में पढ़ते हैं हम, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो हम इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमिक जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमी के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी किसकी होगी, वर्ल्ड की होगी। वर्ल्ड क्या है, दुनिया है, दुनिया में क्या है, ज़मीन है, ज़मीन के बारे में किस में पढ़ा जाएगा, ज्योग्राफी में। तो हम जब भी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं तो किस में होता है, वो ज्योग्राफी में। इसका पॉलिटिकल, जब हम सियासी पहलुओं के, जब कोई बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, जब इंसान एक जगह दूसरी जगह जाता है, तो एक जगह दूसरी कंट्री जाता है, तो कहीं ना कहीं बाउंडेशन होता है, बाउंड्री होती है। तो जब हम दो कंट्री आपस में कारोबार करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, जब दो कंपनियां आपस में ट्रेड करती हैं, तो उसके बारे में हम किसे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इस हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जो भी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी तारीख है, जो भी हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुरानी बिल्डिंग है, इसमें भी ये भी क्या है, ये सब ज़मीन पे ही बनी हुई है, इसमें हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल, जो भी हमारा इंडस्ट्री एरिया है, जो भी हमारा इंडस्ट्री एरिया है, उसमें भी क्या होता है, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होती है। उसका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जितना भी हमारा टोटली एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मतलब जो भी हमारी क्रॉप्स है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस है, वो उन सब के बारे में किस में पढ़ा जाता है, ये भी एक चीज ज्योग्राफी की फील्ड है, इसका नाम है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसका अर्बन ज्योग्राफी, रूरल अर्बन, शहर रूरल मतलब गाँव, जब हम अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, लास्ट है कॉमर्शियल ज्योग्राफी। ये टोटल मिला के पूरा ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है। अब एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँगा, ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी इज़ स्पेशल साइंस, ज्योग्राफी का एक स्पेशल साइंस है जो हमें स्पेस के बारे में बताती है, जगह के बारे में बताती है, ठीक है। और ये किसके वेरिएशन होता रहता है, इसमें चेंज हो रहता है, विद द वेरिएशन ऑफ टाइम, इसमें चेंजिंग होती रहती है टाइम के साथ। ज्योग्राफी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की बेस पे ये सारी ब्रांचेज हैं, जियोमोरफोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के बेस पे ये सारी ब्रांचेज हैं, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। मेनली ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता अर्थ, और इस ग्राफ मतलब किसी भी चीज़ की स्टडी करना, पढ़ना किसी भी चीज़ का। जब हम अर्थ के, मेनली जो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसी ब्रांच है, ज्योग्राफी की वजह से ही जो हम बड़े बड़े शहर होते हैं उनको एक पेज पे फ्लैट सरफेस पर हम दिखा सकते हैं मैप की वजह से, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं होगी तो हम नक्शे, किसी भी दुनिया का नक्शा नहीं बना सकते। और थैंक यू। अब मैं अपना कल का जो हम लेक्चर शुरू करेंगे, 9th क्लास का पहला चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हम फिजिकल फीचर्स शुरू करेंगे।